देश के हर नागरिक को अपने आशियाने का सपना पूरा हो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की गई, लेकिन ग्राम पंचायत में बैठे जनप्रतिनिधि और कर्मचारी शासन की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला मंडला जिले में सामने आया है, जहां हितग्राहियों को पैसे देने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ककैया के रोजगार सहायक के ऊपर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक नवनीत झरिया ने ग्रामीणों से पीएम आवास बनवाने के नाम पर कई लोगों से पैसे लिए, पर आज तक किसी को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अपने साथ हुई धोखेबाजी से नाराज ग्रामीणों ने मिलकर मंडला कलेक्टर को लिखित स्टाम्प पर नोटरी कराकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें रोजगार सहायक को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जी, मेरे से 6,000 रुपये ले लिया है, आज तेरा मकान आ जाएगा, कल आ जाएगा करके, अभी तक मकान नहीं आया है। मैं शौचालय में रहता हूँ साहब, और अभी 5,000 मंगाने के लिए कोशिश कर रहा है। कौन ले मंगा रहा है और कौन ले? कोई नवनीत झरिया। क्या है वो? ये सचिव है साहब, यहाँ का साहब। और तेरा मकान जिंदगी में नहीं बनेगा कहता है साहब, घर में जाके गाली देता है और ऊपर से मेरे को, तू मेरा शिकायत कर दिया, ऐसा कर दिया कलेक्टर के यहाँ, तो वहाँ ऐसा बोल रहा है साहब। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ साहब कि ये ग्राम पंचायत में नहीं होना चाहिए ऐसा आदमी। क्या जरूरत है ऐसे आदमी को रखने के? दुनिया को लूट के खाता है वो, पूरा दुनिया को लूट के खा गया। क्या जरूरत उस आदमी को रखने का यहाँ? ग्रामवासियों के सबसे ज़्यादा ये परेशानी है कि आवास के नाम पे रोजगार सहायक सचिव जो अभी प्रेजेंट में है नवनीत झरिया, और पूर्व में जो सचिव रह चुका है भजन लाल साहू, उसके द्वारा हर हितग्राही से किसी से 5,000, किसी से 7,000, किसी से 10,000, किसी से 15,000 रुपये लिया गया है। अब वो उनको उम्मीद नहीं थी कि वो हमारा पैसा मिल पाएगा, पर अब जैसे ही नवनिर्वाचित हम चुन के आए हैं, तो वो अपनी समस्या को लेके हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा जो पैसा लिया गया है उसको आप दिलाने की कृपा करें करके। तो इसके लिए मैं न्यूज़ के माध्यम से उच्च लेवल के अधिकारी के पास अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस चीज़ का निर्णय करें अच्छे से, और नवनीत झरिया को विशेष तौर पर ककैया ग्राम पंचायत से टर्मिनेट किया जाए, और उसके ऊपर रिकवरी निकाल के जो भी पैसा फंड का आता है उसको पूरे ग्रामवासियों को जिस जिससे वो पैसा लिया है उसको प्रदान किया जाए। अब उम्मीद किया जाए तो ये 15 से 20 लाख के ऊपर चले जाएगा, उम्मीद के ऊपर बता रहा हूँ, बाकी क्लियर अभी कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। जिस तरीके से समस्या है, सबसे पहले 2 तारीख को प्रभार मिला, 3 तारीख को हमने चौपाल लगाई थी, चौपाल में 125 लोगों की समस्या आई थी हमारे पास, जिसका लेबर पेमेंट भी हो गया है 18,000, किसी का लेबर पेमेंट आता है मकान का, जिसमें 18,000 पूर्ण रूप से किसी को नहीं मिला। अगर 100 लोगों का घर बना है तो मुश्किल से लगभग 20 से 30 लोगों का 18,000 पेमेंट पूरा हुआ है, बाकी किसी का 5,000, किसी का 7,000, किसी को 10,000 पूर्ण हुआ है, बाकी किसी को नहीं मिला है। और ऐसा हुआ है कि आवास अगर किसी और का आया है, लेबर पेमेंट किसी और के खाते में गया, उसको पता ही नहीं कि मेरा लेबर पेमेंट निकल गया है। कुआं में ऐसे किसी का कूप निर्माण का कार्य आया है, जिसमें हितग्राही को पता नहीं कि मेरा कुआं आया है, फाइल में पूरा कुआं कंप्लीट हो गया है और हितग्राही को आज तक उसकी भनक नहीं लग पाई है कि मेरा कुआं आ गया है। जब आज जब हम उसके पास जा रहे हैं तब वो हमें अपनी परेशानियों बता रहा है, जिसको हम न्यूज़ के माध्यम से पिछले 8 साल में मेरी ग्राम पंचायत पे जो जॉब कार्ड बने हैं और जो निरस्त हुए हैं पिछले 8 साल के बीच में, अभी जो वर्तमान पे चल रहे हैं उनकी पूरी जाँच की जाए, जिसमें कितना पेमेंट किया गया है, और जहाँ जहाँ जियो टैग किया गया है सचिव द्वारा, सहायक सचिव द्वारा, उस जगह पे फिर से जाकर एक बार चेक किया जाए अधिकारियों द्वारा कि वो काम पूर्ण हुआ है नहीं है। और इसके पहले जो सचिव रह चुका है हमारे यहाँ पे भजन लाल साहू, उसकी संपत्ति की जाँच की जाए आय से अधिक। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।